महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ है, जिसे भारत का सबसे ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। हिंदुओं के काव्य ग्रंथ को पंचम वेद माना जाता है। महर्षि वेद व्यास ने संपूर्ण विवरण के साथ यह ग्रंथ लिखा था। हिंदू धर्म में माना जाता है कि महाभारत में वर्णित घटनाएं सत्य और प्रमाणित है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इसे काल्पनिक मानते हैं। इसे धर्म और अधर्म के बीच हुए सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, लेकिन महाभारत को लेकर हमेशा ही बहस होती रहती है। आज के आधुनिक इतिहासकार इस पर विश्वास नहीं करते हैं। वही कुछ लोगों का यह अटूट विश्वास है कि महाभारत की घटनाएं वाक्य में घटित हुई थी। ऐसे कई सबूत आज भी मौजूद है जिससे यह पता चलता है कि श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया था और महाभारत असली है। आज हम आपको महाभारत से जुड़ी कई ऐसे सबूत के बारे में बताएंगे जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि महाभारत सचमुच में घटित हुई थी। नंबर 1, कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी। यह तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। कहते हैं कि उस समय भयंकर युद्ध में बहे खून की वजह से वहां की जमीन लाल हो गई थी। पुरातात्विक विशेषज्ञों ने भी माना है कि महाभारत की घटना सच थी। उस जगह पर तीरों और भालों के जमीन में गाढ़ा पाया गया, जिसकी जांच में यह पता चला है कि यह 28 ईसा पूर्व के है, जो कि लगभग महाभारत काल के समय के बने हुए है। नंबर 2, अर्जुन का चक्रव्यूह। आप महाभारत में अर्जुन के चक्रव्यूह के बारे में जानते होंगे, लेकिन आपको पता है कि इस चक्रव्यूह का जीता जागता सबूत आज भी मौजूद है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के 16 सिवही धार के नीचे बसा राजनंद गांव एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में मशहूर है। यहां पर पांडव अज्ञातवास के दौरान रुके थे। इसी समय अर्जुन ने यहाँ पर चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करके उसे पत्थर पर बनाया था, जो आज भी यहाँ मौजूद है। इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि अंदर जाने का रास्ता तो साफ दिखाई देता है, लेकिन बाहर आने का रास्ता पता नहीं चलता। इस जगह को पीपलू किले के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 3, श्री कृष्ण की द्वारका नगरी। भगवान श्री कृष्ण को द्वारका का राजा कहा जाता है, और महाभारत में इस बात की जानकारी मिलती है कि यह नगरी जल में डूब गई थी, यानी कि पूरा नगरी ही पानी में समा गया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला है, और इसके सबूतों से यह पता चलता है कि यही द्वारका नगरी है जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है। नंबर 4, लक्षागृह। महाभारत काल में लक्षागृह की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। कौरवों ने पांडवों को जलाने की साजिश के लिए लक्षागृह का निर्माण करवाया था, लेकिन पांडव सुरंग से निकलकर बाहर आ गए थे। कहा जाता है कि आज भी यह सुरंग उत्तर प्रदेश के वर्णावा नामक स्थान पर मौजूद है। नंबर 5, घटोत्कच का कंकाल। कुरुक्षेत्र के पास ही भारतीय पुरातत्व विभाग को खुदाई के समय बेहद ही विशाल आदमी का कंकाल मिला था, जिसको देखकर यह पता चलता था कि यह कंकाल किसी साधारण मनुष्य का नहीं है। तभी यह बात उठने लगी कि यह कंकाल घटोत्कच का है। महाभारत काल में घटोत्कच के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। जब भीम और हिडिम्बा का पुत्र घटोत्कच महाभारत के युद्ध में लड़ाई करने आया था, तब कर्ण ने अपनी शक्ति से उसको मार दिया था। महाभारत के महाकाव्य में दिया गया घटोत्कच का वर्णन भी इसी कंकाल के समान है।